ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आज आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ, आपके पास कोई भी संकट आ रहा हो, कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, सभी संकटों का निवारण के लिए हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस मंत्र के द्वारा आप अपनी किसी भी तरह के संकट से निवारण आप कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या आ रही है उस समस्या का निदान आप हनुमान जी के द्वारा आप करवा सकते हैं। लेकिन इस प्रयोग को करने वाला, इस मंत्र को जपने वाला पहले ये सुनिश्चित कर ले कि वह किसी प्रकार की दारू मांस मदिरा का भक्षण ना करता हो, तभी ये प्रयोग उसके ऊपर कारगर होगा। यदि वह मांस मदिरा आदि का भक्षण करता है तो यह प्रयोग उसके लिए बिल्कुल नहीं है, यह मंत्र उसके लिए कार्य नहीं करेगा। मंत्र बड़ा ही चमत्कारी है। तरीका इसका क्या है? तरीका इसका यह है कि आपके पास कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र किस प्रकार करना है ये आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी को, ये जो हनुमान जी का जो सिंदूर चढ़ाया हुआ है, ये सिंदूर आपको लेकर जाना है। चमेली का तेल आपको लेकर जाना है और एक चमेली के तेल का दीपक आपको श्री हनुमान जी के चरणों में आपको जलाना है, धूप दीप दिखानी है और साथ में आपको बेसन या बूंदी के आपको, वैसे तो देसी घी के यदि बेसन के लड्डू मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जो आपके पास उपलब्ध हो रहे हैं वो लड्डू ले लें। पांच लड्डू आपको लेने हैं। पांच लड्डू के ऊपर आपको एक एक लौंग आपको रखनी है। बूंदी के लड्डू के अंदर लौंग चुभ जाती है और बेसन के लड्डू के अंदर नहीं चुभ पाते, तो उसके ऊपर ऐसे ही रख लें। पांच लड्डू के ऊपर एक एक लौंग रख लें और हनुमान जी को भोग उनको लगाना कि प्रभु इसे भोग प्रसाद को स्वीकार करें। और ये जो सिंदूर है, चमेली का तेल है, ये वहाँ पर चढ़ा दें और जो वहाँ पर पंडित है वो समय लगने पर उसका संकल्प यानी उसका चोला हनुमान जी को चढ़ा देंगे, अपना आप चढ़ा देंगे, आप वहाँ पर चढ़ाएं। और यदि ऐसा कोई खुला मंदिर है तो आप वहाँ पर खुद भी चढ़ा सकते हैं हनुमान जी का चोला, लेकिन पवित्र होने चाहिए आप बिल्कुल ही, क्योंकि ये कार्य पंडित का होता है, जो विशेष पंडित होता है वहाँ पर वही कार्य इस कार्य को करता है। चोला हर व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता, हर व्यक्ति नहीं चढ़ाता, जो पवित्र होता है, हृदय से पवित्र होता है, हनुमान जी का जो पुजारी होता है वही चढ़ा पाता है। हर कोई नहीं चढ़ाना चाहिए हनुमान जी के चोले को, क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति पूर्ण रूप से पवित्र होती है और इसके लिए पवित्र होना परम आवश्यक है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा आपको करना क्या है, हनुमान जी के चरणों में वहीं पर बैठकर आपको एक माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है। उसी मंदिर में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। मंत्र है, ओम नमो वज्र का कोटा जिस पर पिंड हमारा बैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारे आटो आओ अमो का जति हनुमत रखवाला। मंत्र बड़े कारगर, ध्यान से सुनो। ओम नमो वज्र का कोटा जिस पर पिंड हमारा बैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारे आटो आओ अमो का जति हनुमत रखवाला। ध्यान से सुनो, एक बार फिर मैं आपको स्लो करके बता रहा हूँ, ध्यान से लिखना। ओम नमो वज्र का कोटा जिस पर पिंड हमारा बैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारे आटो आमो का जति हनुमत रखवाला। मैं लिखकर भी डाल दूंगा ये मंत्र। इस मंत्र को आपको हनुमान जी के सामने एक माला इस मंत्र की जपनी है। आपको वहीं पर बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ें और साथ में हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जो समस्या, उस समस्या के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मैं इस समस्या से परेशान हूँ, मेरी इस समस्या का समाधान करें, मेरी इस समस्या से मुझे मुक्ति दिलाएं। तो ये मंत्र आप पढ़ें। इस मंत्र को पढ़ने से आपकी जो भी समस्या है 101% आपकी दूर हो जाएगी। इस मंत्र को आप कंटिन्यू भी अपनी पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि जो भक्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल के साथ साथ मेरा एक चैनल और भी है, इंडियन भागीरथी चैनल। नाम ध्यान रखना, इंडियन भागीरथी चैनल। हनुमान जी से संबंधित आपको किसी तरह की कोई वीडियो या किसी प्रकार की हनुमान जी से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपको आए, जितनी भी भक्ति से संबंधित कोई साधना संबंधी या ज्ञानवर्धक आपको जो भी इस तरह की बातें जाननी है, तो वो इंडियन भागीरथी चैनल को सर्च करें और उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये मेरा खुद का चैनल है दूसरा, और उस पे केवल 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 और हनुमान जी की भक्ति से संबंधित वीडियो है। आपसे निवेदन है कि उस चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इंडियन भागीरथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप इस वीडियो को देखने के बाद सर्च कर लेना इंडियन भागीरथी चैनल के नाम से, उस चैनल पर जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि वह चैनल केवल इस मंदिर के लिए है, इस मंदिर के रखरखाव के लिए। जो भी इनकम उससे हुआ करेगी वो इस मंदिर के लिए हुआ करेगी, सब कुछ इसी के लिए होगा। हालांकि इस केबीसी में लगती है, लेकिन वो स्पेशल इसी मंदिर के लिए हुआ करेगी, केवल हनुमान जी के कार्य के लिए हुआ करेगी, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो केवल हनुमान जी के लिए बनाया गया चैनल है। तो आप
प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इंडियन भागीरथी चैनल सर्च कर उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने सगे संबंधों को भी कर लें, क्योंकि वो केवल हनुमान जी के लिए है, उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।